अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशीन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होटलों में बनने वाला जीरा राइस, जो हम घर में बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। हम ये खिले खिले चावलों वाले जीरा राइस प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये जीरा राइस बन जाता है, तो देर किस बात की। चलिए जीरा राइस बनाना शुरू करते हैं। ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैंने लिया है बासमती राइस। आप इसकी जगह घर में जो डेली हम यूज़ करते हैं चावल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसी ग्लास से मेजरमेंट किया है। मैंने 2 ग्लास चावल लिया है। तो सबसे पहले मैं अपने चावल को धुल लेंगे, ताकि इसमें भी जो डर्ट हो, जो पॉलिश हो, जो गंदगी हो, सब निकल जाए। तो मैं हाथ की मदद से इसे मसल कर धुल रही हूँ। इसे ज़्यादा मसलना नहीं है, वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। तो मैंने इसे 2 से 3 पानी धुल लिया है। आप तब तक चावल धुलना, चावल का पानी वाइट ना हो जाए तब तक आप चावल को अच्छे से धुल लेना। फिर हम अपने प्रेशर कुकर में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अगर देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 चम्मच जीरा। मसाले के तड़कते ही मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से फाड़ लिया है। और अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी डाल दीजिए। इस टाइम मेरे पास नहीं है तो मैं उसे स्किप कर दे रही हूँ। तो इसे डालने के बाद हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। चावल को हमने ज़्यादा देर के लिए भिगोया नहीं है, बस धुलकर जस्ट इसमें डाल दिया है। अब हम इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। चावलों को भूनने से चावल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जब चावलों का सारा पानी ड्राई हो जाए और ये पैन में चिपकने लगेंगे, तो हम इसमें डाल देंगे 2 ग्लास और आधा ग्लास पानी। हम इसमें 2.5 ग्लास पानी डालेंगे। हम उसी ग्लास से मेजरमेंट कर रहे हैं जिस ग्लास से हमने चावल लिया था, उसी ग्लास से हम पानी डालेंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। इसे डालकर मिक्स कर दें। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 लींबू का रस। ये ऑप्शनल है। अगर आप लींबू का रस नहीं डालते हैं तो घी डालने की वजह से चावल वैसे भी नहीं चिपकेगा, खिले खिले ही रहेंगे। लेकिन अगर आप नींबू डालते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और इसे मिक्स कर दें। फिर हम प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे। हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। फिर गैस का फ्लेम लो कर देंगे 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर भी हम 1 से 2 सीटी लगा देंगे। 3 सीटी आने के बाद जब हमारा कुकर खुद से प्रेशर रिलीज कर दे, तो हम इसकी लीड को ओपन करेंगे। फिर हम नाइफ की मदद से चावल को चला देंगे, ताकि हमारे चावल टूटे नहीं और एक दूसरे में चिपके नहीं। अभी ये गर्म है, इस वजह से चावल एक दूसरे में चिपक रहे हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद चावल एक दाने अलग अलग हो जाएंगे। प्रेशर कुकर में बनाने से चावल एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो हो सके तो आप प्रेशर कुकर में बनाएं, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये देखिए, हमारा परफेक्ट ज़ीरा राइस बनकर तैयार है। इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ज़ीरा राइस बनाना बहुत ही आसान है, छोटे बच्चे भी ये बना सकते हैं। बस चावल और पानी का मेजरमेंट सही रखें। चावल अगर आपका 1 ग्लास है तो पानी 1 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा डालें। अगर चावल आपका 2 ग्लास है तो 2.5 ग्लास तक पानी डालें। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मत डालना। और प्रेशर कुकर में बनाने से चावल हमारे बहुत ही जल्दी और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। अगर आपको मेरी ये ज़ीरा राइस की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।